जितने भी एक्टर हैं वो भले ही मुंबई में रहते हों, मुंबई के बाहर रहते हों, लेकिन अब सभी के लिए बराबर से मौके आ गए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फिल्म में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम करना है तो ऑडिशन देने के लिए मुंबई में होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आप अपने घर से भी ऑडिशन दे सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन कैसे देंगे ये बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके सामने वीडियो रिलीज किए थे कि अब ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, और इसके बाद ये होड़ लग गई कि सब ऑडिशन देना चाहते हैं लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैसे देना चाहिए और ये ऑनलाइन ऑडिशंस होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हुई है ये अब सबके लिए, मतलब अब आप चाहे मुंबई के बाहर रहते हो फिर भी आपके पास मौका उतना ही है जितना कि मुंबई में रहने वाले एक्टर के लिए। तो पहले तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने पहले रिलीज किए थे, उनको अच्छे से देखिएगा इस वीडियो के बाद। अब समझते हैं कि सेल्फ ऑडिशन होता क्या है। देखिए, जब भी कोई करेक्टर क्रिएट होता है किसी प्रोजेक्ट में तो उसके लिए ऑडिशंस लिए जाते हैं। अभी तक ये ऑडिशंस मुंबई में प्रोडक्शन हाउसेज में या कास्टिंग डायरेक्टर की वेन्यू पे होते थे, लेकिन अब जब से कि डिजिटल इंडिया हुआ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर की उनके जगह पर ज़्यादा भीड़ ना लगे, बल्कि लोग इंट्रो या ऑडिशन उनको घर से ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दें, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स अवेलेबल हो गए हैं। तो सेल्फ ऑडिशन का मतलब है कि इसको पूरी तरह से शूट भी आपको करना है, प्रिपेयर भी आपको करना है, अपलोड करके आपको ही प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग डायरेक्टर को भेजना है। तो ये होता है सेल्फ ऑडिशन। अब इसको जो शूट करना है उसमें आपको पूरी तरह से जिम्मेदार होना है, क्योंकि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से अपना सेल्फ ऑडिशन शूट कीजिए। नंबर वन, आपको जो अपना मोबाइल कैमरा लेना है उसको आई लेवल पे मेंटेन करना है। आई लेवल में मतलब जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। सेकंड नंबर पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जहां पर भी आप ऑडिशन खड़े होके या बैठ के दे रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे इस समय आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, वो डार्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट कलर का होना चाहिए और वो बहुत फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि अभी आप जो देख रहे हैं ये मल्टीपल कलर्स हैं, एक विंडो की स्ट्रिप भी आपको दिख रही होगी, तो इतना सब नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लैट वॉल होगी तो आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि घर में उतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइटिंग नहीं होती, लेकिन आपके फेस पे प्रॉपर लाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर अभी मेरे फेस पे प्रॉपर लाइट नहीं है, मैं अगर थोड़ा सा डल कर दूँ तो आपको मेरे आँखों के बाकी फेस के जो एक्सप्रेशन है, जो हाव भाव है, उतने क्लियर नज़र नहीं आएंगे। आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी ही चाहिए। नंबर फोर है कैमरा मोड। कैमरा मोड का मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल कैमरा है, आपने देखा होगा जब टिकटॉक बनाते हैं या दूसरे आप फोटो क्लिक करते हैं तो दो तरह से होते हैं, एक लैंडस्केप मोड और एक पोर्ट्रेट मोड। तो आपको हमेशा लैंडस्केप मोड में ही वीडियो शूट करना है अपने ऑडिशन का, पोर्ट्रेट मोड में शूट नहीं करना है, क्योंकि वो जब स्क्रीन पर देखा जाता है तो उतना प्रॉपर दिखता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी शूट करें लैंडस्केप मोड में करें। पाँचवा पॉइंट है साउंड। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है, भले आप वो सिर्फ सेल्फ इंट्रो भी दे रहे हों, तो अगर वॉइस क्लियर नहीं जाएगी तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने बोलने की स्पीड कंट्रोल रखकर चलनी है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम वीरेंद्र राठौर है, इतनी तेज नहीं बोलना है। तो ये हो गई आवाज़ की बात। दूसरा है साउंड क्वालिटी प्रॉपर मिले। तो अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप क्या करें कि कैमरा थोड़ा सा नज़दीक रखें ताकि साउंड क्वालिटी बेहतर मिल पाए। अदरवाइज लैपल माइक आपको आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए इतने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपका मुंबई जाने आने का खर्चा भी तो बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो कोई फैसिलिटी मिल रही है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है तो करिए ज़रूर। छठवां पॉइंट है कैमरे का फ्रेम। आपको हमेशा मिड फ्रेम रखना है, मतलब कि कमर तक कम से कम आना चाहिए, फेस प्रॉपर दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो क्योंकि आपका कैमरा फिक्स होगा। अगर आप किसी की हेल्प लेके बना रहे हैं तो देखिए कि कैमरा शेक भी ना हो, प्रॉपर कैमरा रहे और वो कम से कम आपके कमर तक की सारी चीज़ों को कवर करे। सेवन पॉइंट है लुक। देखिए अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कैमरे में देखकर आपसे बातें करूंगा, भले वो सेल्फ इंट्रो दूं या डायलॉग बोलूं, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा।
अगर मैं थोड़ा सा इधर देखूं या इधर देखूं, मतलब हल्का सा आपको ऑफ कैमरा देखना, तभी वो अच्छा लगता है कैमरे में देखने में। भले ही आपको सेल्फ इंट्रो देना हो या फिर ऑडिशन देना हो, आपको थोड़ा सा कैमरे से लेफ्ट राइट या थोड़ा सा डाउन आपको देखना, मतलब ऑफ कैमरा देखना जरूरी है। 8th पॉइंट है, कीप इट सिंपल। हल्की सी स्माइल रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुई, भले आप इंट्रो दे रहे हो या ऑडिशन दे रहे हो, हमेशा सिंपल दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग शेर व शायरी बोलते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हमने YouTube पे देखा ऐसा कि एक शेर बोल के शुरुआत की जाए इंट्रो की। देखिए, आप जब एक एक्सपर्ट एक्टर हो जाते हैं ना, तब ये सब करेंगे तो आप संभाल पाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप नए हैं तो इस तरह की कोई चीज़ ना करें जो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको कमज़ोर बनाए। आप सिंपल रखिए स्टार्टिंग में, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बोलें, शॉर्ट में रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, ताकि आप अपने इंट्रो को प्रॉपर दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मोनोलॉग भी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी उसको सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा प्रॉप्स हो गए या बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की कोशिश मत कीजिए, सिंपल रखिए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि तब आप अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर पाएंगे। 9th पॉइंट है, डिटेल्स। डिटेल्स में आपको बहुत ही सिंपली, भले आप इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें भी आप बोलना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ज़बरदस्ती आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आप अगर हिंदी में प्रॉपर बोल सकते हैं तो हिंदी में बोलिए। आपको अपना नाम बताना है, एज बतानी है, हाइट बतानी है, लैंग्वेज नोन मतलब कौन कौन सी आप भाषाएं बोल सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोलना है और ईमेल आईडी। 10th पॉइंट है, इंट्रो और मोनोलॉग। ज्यादातर केसेस में तो शुरुआत में आपसे सिर्फ सेल्फ इंट्रो ही मंगाया जाएगा, तो सेल्फ इंट्रो में आपको सिर्फ इतनी ही डिटेल देनी जो मैंने आपको बताई, डिटेल आपको देनी है, आपको फिर उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं भेजनी है। देखिए, जो भी चीज़ें आपसे डिमांड की जाएंगी सिर्फ आप उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल भी स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि आप मोनोलॉग भेजिए तो सिर्फ आप मोनोलॉग भेजेंगे, और जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप या ईमेल पे जिस पे भी आपसे मंगाया गया है उस पर आप मेंशन करेंगे। लेकिन अगर बोला गया है कि सेल्फ इंट्रो भी देना है और मोनोलॉग भी देना है, तो आपको एक बात का ख्याल रखना है, आप क्या करें, एक छोटा सा पॉज लें, मतलब सेल्फ इंट्रो बोलें, उसके बाद प्रोफाइल्स आपको देने, मतलब लेफ्ट राइट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस तरह से, उसका एक छोटा सा पॉज लेना है और फिर अपनी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप चाहे सेल्फ इंट्रो दें या ऑडिशन दें, आपका ऑडिशन और सेल्फ इंट्रो हमेशा अपनी छाप छोड़ेगा, उसको पसंद ज़रूर किया जाएगा और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, रिजेक्शन हो सकता है इस वजह से कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो परफॉर्मेंस को अच्छी करने के लिए आजकल आप जिस तरह से ऑनलाइन ऑडिशंस दे रहे हैं, इस तरह से ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स करके भी आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके शहर में कोई थिएटर ग्रुप हो या कोई एक्टिंग क्लास हो, या एक्टिंग क्लास के लिए आपको मुंबई आना पड़े, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए जॉइन फॉर्म्स का ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लें। आपको मोनोलॉग भी वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार आपको सेल्फ ऑडिशन में बोला जाएगा कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस रेडी है आप उसको ही भेज दीजिए, तो आपके लिए मोनोलॉग बहुत सारे अवेलेबल हैं आपके जॉइंट फिल्म्स ऐप में। वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I'm feeling